उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत अपने दो दिवसीय नागपुर दौरे पर हैं। शनिवार को उनका नागपुर में आगमन हुआ। नागपुर आते ही मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हम रामटेक विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बैठक में विदर्भ की सीटों की समीक्षा की गई है। लोकसभा में रामटेक की सीट कांग्रेस को दी गई और माविया को विदर्भ में लोकसभा में अच्छी सफलता मिली। विदर्भ में अधिक माविया सीटों पर चुनाव होंगे। सीट आवंटन पर जल्द होगा फैसला। हमारी सरकार आने पर हम मेहनत का पैसा देंगे। विदर्भातल्या सर्वच जागांसंदर्भात आम्ही आढावा घेतला। या वेळेला नागपूर शहरामध्ये शिवसेना विधानसभेची एक जागा लढवणार। रामटेक विधानसभेची जागा शिवसेना लढवणार। त्या दृष्टीनं शिवसैनिक कार्यकर्ते इतर पदाधिकारी पक्षाचे त्यांच्याशी चर्चा होईल। आमचे शहर प्रमुख नागपूरचे प्रमोद मानमोडे यांनी काही कार्यक्रम ठेवलेले आहेत पक्षाच्या वतीनं। रोजगार मेळावा आहे, इतर काही कार्यक्रम आहे, त्याला उपस्थित राहू। पण निवडणुका जवळ आलेल्या आहेत आणि महाराष्ट्राच्या उपराजधानीमध्ये शिवसेनेचं गेल्या काही दिवसापासून जे काम चालू आहे ते पाहता महाविकास आघाडीमध्ये नागपूर शहर आणि आसपास आम्ही रामटेकची लोकसभा काँग्रेसला दिली, आपण पाहिलं असेल सगळं। त्याच्यामुळे विधानसभेला आम्ही इथे महाविकास आघाडी म्हणून नागपूर शहर आणि ग्रामीण भागामध्ये विधानसभेच्या जागा लढू। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने कहा कि फडणवीस साफ सुथरा नहीं सुन पाते लगता है। नागपुर का घर जाल हो गया है। सभी भ्रष्ट लोगों को सरकार में ले लिया गया है और उद्धव ठाकरे ने कभी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। अच्छी योजना सरकारी होती है, निजी नहीं। कोणी ही ताकत नहीं, ते सपना जास्त झाले। त्यांना स्वच्छ आणि स्पष्ट दिसत नाही, ऐकू येत नाही। कोणत्याही चांगल्या योजनेमध्ये ज्यांच्यापासून आमच्या महाराष्ट्राच्या जनतेला, महिलांना, बेरोजगारांना फायदा होईल अशी योजना ही कोणाच्या खाजगी मालकीची नसते, ती सरकारची असते। त्याच्यामध्ये खोडा टाकण्याचं पाप आम्ही करणार नाही। ते नरेंद्र मोदी यांनी अनेक वर्ष केलेलं आहे, 10 वर्ष काँग्रेस सरकारच्या योजना त्यांनी स्वतःच्या नावानं खपवल्या आणि काँग्रेसला शिव्या घातल्या। महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी अनेक योजना निर्माण केल्या, पण हे सरकार आल्यावर त्यांनी त्या बंद केल्या, बंद करण्याचा प्रयत्न केला। तर आम्ही अशा प्रकारचं काम करणारी माणसं नाही। उद्धव ठाकरेजी को आगे आने की जरूरत नाही। 2019 में भी वो आगे नहीं आए थे। सबने मिलकर उनको मुख्यमंत्री बनाया महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र में 2.5 साल तक बतौर मुख्यमंत्री बहुत ही बेहतरीन कार्य मुख्यमंत्री ने किया। अब बात रही 2024 की, उद्धव ठाकरे जी ने कभी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। कल का आप भाषण सुने, अगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास कोई चेहरा होगा तो सामने लाइए, उद्धव ठाकरे जी उस चेहरे को समर्थन देने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ दे डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल, डांस, क्लासिकल एंड वेस्टर्न स्पोर्ट्स, इंडोर एंड आउटडोर। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, 38 वेड़ाहरे आउटर रिंग रोड, पोस्ट बेसा, नागपुर। अवर ब्रांचेस एट रामेश्वरी एंड वेड़ाहरी। कॉन्टेक्ट नंबर 7276066999 and 7276055999। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज।